हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फॉर्म की जो कि बैंक की तरफ से निकला हुआ है। पूरी वैकेंसी की डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे और बताएंगे। देखिए जो वैकेंसी निकली है वो निकली है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड प्रोबेशनरी एसोसिएट। दो वैकेंसी, दो पोस्ट की वैकेंसी है और ये वैकेंसी स्टार्ट हुई है आपकी 19 जुलाई 2022 से। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख की सुबह सुबह बना रहा हूँ ताकि ये डिटेल आपको आराम से मिल सके और स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को भर सकें। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है भरने की वो 2 अगस्त 2022 शाम को 5 बजे तक है। और अगर आप फॉर्म भरने में किसी तरीके की कोई भी गलती कर देते हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जिसकी भी लास्ट डेट उन्होंने 2 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक ही रखी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो लास्ट डेट की प्रिंटिंग है यानी कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है और फॉर्म भरने के बाद अगर आपने अपना प्रिंट नहीं निकलवा पाया है तो प्रिंट निकालने की डेट इसमें 17 अगस्त तक दे रखी है ऑफिशियल साइट पर। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर जाकर अपना प्रिंट भी बाद में निकाल सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। स्टेप बाय स्टेप आपको वैकेंसी के बारे में बताएंगे, वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, आइए जान लेते हैं पहले उसको। और ले चलता हूँ आपको डैशबोर्ड पर sarkarirezult.com पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं आपने तो वीडियो को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वैकेंसी की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, कौन कौन इसको भर सकता है और किसकी क्या फ़ीस है। तो आ जाते हैं हम सरकारी रिजल्ट पर और यहाँ पर आके देखेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था वैकेंसी से स्टार्टिंग से। सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये CCBL, ये एक बैंक है जो कि कोऑपरेटिव बैंक है। और इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है प्रोबेशनरी ऑफिसर और प्रोबेशनरी एसोसिएट की निकली है और 2022 रिक्रूटमेंट की है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CCBL एडवर्टाइज नंबर 01 बैंक 2022-23। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन आपको पूरी यहाँ पर दे दी जाएगी, मैं बता देता हूँ। और वह जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एप्लीकेशन चालू हो चुकी है 19 तारीख से और आज 20 तारीख की सुबह मैं इसको बना रहा हूँ। 2 अगस्त तक आप इसको शाम के 5 बजे तक फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ाम जो होगा जैसे कि आपको पता ही है CBT एग्ज़ाम होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका अगस्त 2022 में होगा। एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं है, जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद डेट भी इसकी अनाउंस हो जाएगी। आप चैनल पर रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फीस की बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इशू होता है सबको, सब लोग ये सोचते हैं कि अगर बैंक की वैकेंसी है तो फीस भी ज़्यादा होगी। तो आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं, चाहे आप जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो और चाहे SC ST कैंडिडेट हो। वैसे SC ST की तो मोस्टली फीस एग्जेप्शन ही रहती है, बट इसमें भी सभी के लिए फीस जीरो है। और आपको उसके बाद बता देते हैं कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। इसमें 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया रखा है। 18 साल इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन कम्प्लीट मांगा है और किसी किसी स्टूडेंट की 18 साल में या 19 साल में ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हो पाती, चाहे वो कोई भी कारण हो। तो इसमें 20 से 30 साल तक की एज मांगी है और जो मैक्सिमम एज 30 साल तक की है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर की। अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। और अगर आपको प्रोबेशनरी एसोसिएशन का फॉर्म भरना है तो आपकी एज 26 साल की होनी चाहिए, यानी कि आप 20 साल से 26 साल के बीच में होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज का रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप कोऑपरेटिव बैंक से ही हैं, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में ही ऑलरेडी जॉब करते हैं किसी और पोस्ट पर, क्लर्क वगैरह पर, तो आप इसके लिए एज में आपको छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसी की कि वैकेंसी में पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको आप भर सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, मैक्सिमम 65% के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आप CA हैं, CS हैं, आपने ICWA या CFA MBA वगैरह का कोर्स कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर देख ही रहे हैं आप डैशबोर्ड में MTech वगैरह का, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने नॉर्मली कहीं से भी ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे BA, BCom, BSc कुछ भी किया हो, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, तो अभी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9% क्राइटेरिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊँगा। चलते हैं स्टेप की तरफ और फॉर्म भरना ही आपको सीधा दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा।
तो हम सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर आप येलो स्क्रीन पे लिखा है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर अपना नाम डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हर चीज़ के दो कॉलम दे रखे हैं ताकि आपको किसी तरीके की कोई गलती ना हो फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल लेंगे, अगर आपका मिडल नेम हो तो आप मिडल नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम हो तो लास्ट नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर दो दो बार टाइप करना है ताकि आपको कन्फर्म होता रहे साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डालने के बाद फादर नेम डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे ध्यान रखिएगा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको सेंड किया जाता है। साथ ही साथ इसी के नीचे इनबॉक्स में आपको भरनी है अपनी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी हो वो वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि जो इसका एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन है वो ईमेल आईडी के माध्यम से आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी यहाँ पर भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों भरने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है नीचे, और कैप्चा कोड फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लेकिन आप सही से देख लीजिएगा कि ईमेल आईडी की स्पेलिंग और मोबाइल नंबर एकदम ठीक होना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। लॉगिन वगैरह आप कर सकते हैं, और रिजल्ट वगैरह जब इसका आएगा तो आपको लॉगिन करके ही देखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट फॉर्म करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपके डैशबोर्ड पर भी आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी जाएगा। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज पहले से ही बना के रख लेना है अपने सिस्टम में, जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ है। याद रखिएगा जो साइज़ मांगा गया है इसमें 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और विड्थ इसकी होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और 20 से 50 केबी के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपने सिस्टम से अपने फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ और सिग्नेचर को अपलोड कर दूँगा। दोनों ही चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा कंटिन्यू का बटन, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर एक टिक मार्क का ऑप्शन और आ रहा होगा आपको डैशबोर्ड में दिखेगा, तो आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपको कौन सी पोस्ट भरनी है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो अगर आप एसोसिएट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एसोसिएट भरें, जो कि 26 साल की एज तक है, और अगर आप ऑफिसर यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपको कोई छूट वगैरह चाहिए कि नहीं, आप डिसेबिलिटी पर्सन तो नहीं, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या आप कोई सी भी जो भी आप माइनॉरिटी हैं, तो अब यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदू है तो हिंदू, अगर माइनॉरिटी है तो यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद आपको दिख जाएगा जो भी माइनॉरिटी आपकी होगी वो आप अपना फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ नो कर देंगे। नो करने के बाद आप इंडियन है यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आ रहा है कि आपकी वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा, जैसे कि ये बता दें कि बैंक मुंबई का है तो मुंबई की तरफ की ही इसमें सारी ब्रांचें आपका मुंबई और मैंगलोर और यहाँ पर आपको पुणे वगैरह दिख जाएगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसी जगह पर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको भर लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप एकदम से स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जब कम्प्लीट डल गई तो आपका एज मेंशन हो जाएगी, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार संख्या डाल लेनी है। आधार संख्या वैसे इसके अंदर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आधार किसी के पास नहीं होता है, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि आधार आप सभी लोग बनवा लीजिएगा अगर आधार नहीं है तो, क्योंकि आधार मैंडेटरी हर जगह कर रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को आप टिक कर सकते हैं, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स मांगी है जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, वो आपको सारा क्राइटेरिया एक एक करके फिल कर देना है। जितनी भी डिटेल आप डालेंगे ये आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि 10th की मार्कशीट के ही हिसाब से फॉर्म भरा जाता है, चाहे फॉर्म कोई सा भी हो। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका जो फॉर्म हो वो 10th के ही बेस पर भरा जाता है, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपका फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो आपका होता है, जो कि 12th क्लास में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, इसलिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना आधार, अगर आपके पास आधार है तो आधार में देख करके अपना
एड्रेस डाल लेंगे, और आपके पास आधार नहीं है तो पहचान पत्र हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो उससे देखकर अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना एरिया, अपनी लोकेलिटी डालने के बाद अपना एरिया पिन कोड डाल के यहाँ पर नीचे भी कन्फर्म एड्रेस सेलेक्ट करके वैलिडिटी पर क्लिक करना है। देखिए वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वेरीफाई सक्सेसफुल आएगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी एजुकेशन मांगेगा, जो भी एजुकेशन आपकी एजुकेशन है, चाहे वो बीए है, एमए है, बीएससी है, बीकॉम है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यानी कि आपको मंथ और ईयर डाल देना है कि जब आपका रिजल्ट आया था और कितनी परसेंटेज के साथ आया था, वो परसेंटेज आपको इसके अंदर फिल कर देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपके फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट डाल देंगे, सेकंड है तो सेकंड डाल देंगे, और उसके ऊपर अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है तो आप उसको भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पूछा है कि आपके पास जैब सर्टिफिकेट है तो आप यस करें, अगर आप कैब सर्टिफिकेट है तो आप उसको यस करें, अदरवाइज उसको नो करें। और अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज देखिए कंपलसरी है इस वैकेंसी में, तो आपको यहाँ पर यस ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर इस जॉब से रिलेटेड तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। भाषा की बात कर लेते हैं लैंग्वेज इसमें, क्योंकि मुंबई की वैकेंसी है तो मराठी लैंग्वेज इसमें कंपलसरी करी गई है, लोकल लैंग्वेज, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको तीनों लैंग्वेज आती है तो आप तीनों कॉलम में टिक करके वेरीफाई करेंगे और ओके करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद अपने फॉर्म को पूरा एक बार से चेक कर लेंगे कि कोई भी कमी इसमें रह तो नहीं गई, और जब आप फॉर्म को कंप्लीट चेक कर लेंगे तो कंप्लीट चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा उसको टिक करने का, एक डिक्लेरेशन को एग्री करना है आपको। एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं एक बार ऊपर से दोबारा से देख लेता हूँ। देखने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका एक और डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन पहले से ही बना के रख लेना है साइज, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे मैंने पहले से ही बना हो के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पर जाके इसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अपलोड करने के बाद दिखा रहा है कि फर्स्ट नेम स्पेस, यानी कि जो आपने फाइल सेलेक्ट की हुई है उसमें किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे उसमें लिखा हुआ है तो मैं अपना स्पेस यहाँ से हटा दूँगा। देखिए लिखा हुआ है राइट थंब, तो इसका इतना स्पेस आ रहा है, स्पेस को हटा देंगे। हटाने के बाद इसको दोबारा से अपलोड करेंगे तो आपका ये जो थंब है वो अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये मुझे पहले से पता था लेकिन मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये फॉर्मेट आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, या किसी भी पेपर पर लिख सकते हैं आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट बाय मी। इस तरह से आप अपनी डिक्लेरेशन दे करके उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद देखिए कैप्चा कोड डाल देंगे। अगर आपको अटैच करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको रिफ्रेश करेंगे दोबारा से। रिफ्रेश करने के बाद आप दोबारा से चूज़ फाइल करेंगे और दोबारा से जब आप जाएंगे उस पर तो ओपन करेंगे तो देखिए आपका डिक्लेरेशन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ओके करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है, और कैप्चा कोड फिल कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल दिख जाएगी। आप इस टैप पूरी डिटेल को आराम से देख लेंगे तसल्लीपूर्वक। ठीक है दोस्तों, आपका फॉर्म ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट स्टेज है। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरीका का कोई यूज़फुल लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की कोई और वीडियो आपको डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका तुरंत आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।